અડાજણ ગુજરાત કે સર્કલ નજીક આવેલા અંકુર વિદ્યાલયમાં ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પરંપરાગત વસ્ત્રો ધારણ કરી ગરબે ઘૂમ્યા હતા. વધુમાં શાળાના આચાર્ય સાક્ષીબેન સક્સેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ પાસે પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ ન કરવા બદલ શપથ પણ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા. मैं शालिनी सक्सेना सूरत शहर के सभी निवासियों को हेलो किड्स और पब्लिक स्कूल और अंकुर विद्या भवन की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ. माँ दुर्गा मंगलमय करे, सभी का भला करे. और इस नवरात्रि हमने अपने विद्यार्थियों को कुछ नया सिखाने का संकल्प किया है और विद्यार्थियों को बताया है कि आप लोग हमारे जो ऋषि मुनि ने जो व्रत त्यौहार का नियम बनाया है इसको वैज्ञानिक दृष्टि से आप लोग देखें, ताकि किसी भी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, उनको अंधश्रद्धा के रूप में नहीं देखें, बल्कि उसको वैज्ञानिक तरीके से समझें. हमने यह भी बताया बच्चों को कि नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व क्या है. वर्षा ऋतु के बाद जब शरीर में अनेक तरह के रोग आ जाते हैं या वर्षा ऋतु में जो भी व्याधि होती है, तो ये उपवास के रूप में डिटॉक्स हो करके शरीर से बाहर निकलती है. रात में जब आप गरबा खेलते हो तो वो बिल्कुल पसीने के रूप में शरीर से जितने जहरीले पदार्थ हैं वो सभी निकल जाते हैं. तो इसीलिए उपवास या त्यौहार जो होते हैं उसके साथ साथ एक वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़ा हुआ है. और बच्चों को ये भी समझाया कि पौराणिक मान्यताओं को भी आप समझें और साथ में उनके वैज्ञानिक क्या वजह है इस बात को भी समझ कर उसका आगे उपयोग करें, ताकि भविष्य में कभी भी अंधश्रद्धा में आप लोग नहीं आए. लेकिन साथ ही भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी समझना है, उसको कायम रखना है और उन संस्कृतियों का वैज्ञानिक महत्व को भी आपको समझना है. ये हमने बच्चों को बताया. साथ ही आज के युग में जब प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा ही फैलाव हो रखा है, जब बारिश होती है तो हम देखते हैं शहर के नाले जाम हो जाते हैं, या कई बार सुनते हैं कि जो पशु लोग हैं आपके भोजन के साथ साथ वो प्लास्टिक भी खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं. तो इसलिए अभी से बच्चों को सिखाया कि आप लोग प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त धरती बनाने का संकल्प लें, ताकि जो हमारी सबसे बड़ी माता धरती माता है उनकी भी रक्षण हो, वो स्वस्थ रहें, ताकि हम भी स्वस्थ रहें. थैंक यू. जय माता.